हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं सेशन। आज का सेशन का नाम है डीएनए पैकेजिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके 6 चैप्टर से, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। और मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछा जाता है। लास्ट टाइम 2022 के वाइवा जो हुआ था आपका ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डीएनए पैकेजिंग को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर देना यार। आप लोग वीडियो में बनाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग लाइक तक नहीं करते, भाई ये गलत बात है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट करके फिर से आस्क करें। और दूसरी चीज़ की हाँ, एक दफ़ा क्या नाम है जो है ये मुझे बता दीजिए कि वीडियो क्वालिटी वगैरह सही आ रही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आवाज़ वगैरह में। एक्चुअली माइक वगैरह भी आज ख़राब हो चुका है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं सेशन। सेशन का नाम है डीएनए पैकेजिंग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइड से। ये निकल गया हवाई जहाज़ आपका, ठीक है। और अब होगी पैकेजिंग की शुरुआत। क्या दिया हुआ है भाई? दिया हुआ है कि डीएनए पैकेजिंग का अर्थ होता है कि डीएनए अणुओं को जो है वो कस करके, पकड़ करके क्या कर देना भाई, पैक कर देना। और इस प्रकार से पैक करना कि उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक केंद्र के अंदर फिट हो जाएं। किसके अंदर फिट हो जाएं भाई? किसी एक केंद्र के अंदर फिट हो जाए। और इसके फिट होने की प्रक्रिया जो है, केंद्र के अंदर का जो फिट हो जाएगा, तो इसके फिट होने की प्रक्रिया जो है वो किसके कारण होगी? तो वो होगी भाई हिस्टोन प्रोटीन के कारण। किसके कारण होगी? हिस्टोन प्रोटीन के कारण होगी। यही हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्या होता है, एक धनात्मक आवेश लेता है। क्या लेता है भाई? एक धनात्मक आवेश लेता है, जिसके कारण जो डीएनए के जो अणु होते हैं वो इससे चिपक जाते हैं। अब चिपकने का कारण क्या है? अब जैसे ही इससे डीएनए के अणु चिपकेंगे, वैसे ही पूरा गुणसूत्र जो है वो इससे लिपट जाएगा, और लिपट करके एक ऐसी प्रक्रिया बना लेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, हिस्टोन प्रोटीन। एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? धनात्मक चार्ज होता है। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, धनात्मक चार्ज होता है। और जो आपका डीएनए जो होता है ना, उसका चार्ज जो होता है ना, इस डीएनए का चार्ज जो होता है ना, वो होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तब डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जाहिर बात है कि इस पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, इसके ऊपर रैप करेगा। और इसके ऊपर रैप करने के कारण ही ये जो डीएनए होती है ना, डीएनए पैकेजिंग होती है, वो आसान हो जाती है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है किस तरह से, जिस तरह सामने आपके दिया हुआ है कुछ फिगर्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये दिया हुआ है आपकी सेल। सेल के अंदर पाया जा रहा है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब ओपन करके देखा गया, इस न्यूक्लियस को जब ओपन करके देखा गया, तो इसके अंदर क्या मिला भाई? इसके अंदर मिला ये क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम्स को और अधिक एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसी श्रृंखला सामने आई, और उसके बाद और देखा गया तो ये कुछ इस तरह से न्यूक्लियोसोम्स इसमें दिखाई दिया। अब यही न्यूक्लियोसोम्स जो है, जो कि बॉल जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है ना, यही न्यूक्लियोसोम्स को यहाँ पर दर्शाया गया। ये देखिए यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम्स है जो कि क्या बना हुआ है भाई। अच्छा, न्यूक्लियोसोम्स जो है वो किस चीज़ों से मिल करके बनाए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने आपको 10 बार जो है वो ऑफलाइन क्लासेस में बता रखा है कि न्यूक्लियोसोम्स जो होता है वो किन चीज़ों से मिल करके बनता है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर क्या हो रखा है कि जो डीएनए के जो अणु हैं वो क्या हुए हैं, उसको अच्छे से पैक करके रखे हुए हैं, ठीक। फिर उसके और आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि ये जो पैकिंग हुई है वो किसके ऊपर हुई है? तो वो हुई है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। किसके ऊपर हुई है? ये जो है ना, ये जो अणु दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन मैंने अभी बताया जैसे कि आपको लास्ट स्लाइड में, कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि ये जो डीएनए वाला अणु जो है, जो ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए इसको क्या कर रखा है? इसने रैप कर रखा है। और रैप करने का कारण क्या है कि किसी एक कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर ये कायदे से फिट हो जाए बगैर किसी दिक्कत के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि डीएनए नाभिक के अंदर पैक कैसे होते हैं? तो ये क्या करता है, अपने स्ट्रेंथ को प्रोटीन के चारों ओर क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है, लपेट लेता है, जिससे क्रोमेटिन के नामक जो कुंडली संरचना जो होती है ना, वो हमको बन जाती है। आगे दिया हुआ है कि ये क्रोमेटिन के धागे जो होते हैं, क्रोमेटिन के धागे की नुमा संरचना बन जाती है, और ऐसे गुणसूत्र जो होते हैं, एक विशिष्ट आकार का निर्माण हो जाता है। आगे दिया हुआ है कि डीएनए पैकेजिंग जो होती है वो कोशिकाओं को जगह बचाने में मदद करती है। साथ ही साथ पैकेजिंग का कारण यही होता है कि लगभग इस तरह से हम जानते हैं कि मानव की किसी एक कोशिका की अगर माप जो है वह 2 माइक्रोन है, यानी 2 μ है, तो जो मनुष्य का जो डीएनए जो होता है ना, एक सेल के अंदर वो लगभग होता है 2 मीटर के आसपास। कितना होता है भाई? 2 मीटर के आसपास। अब समझने वाली बात है कि 2 μ जो है, यानी 10^-6 के साइज़ की जो है वो हमारी क्या है, सेल है। 10^-6 साइज़ की क्या है, सेल है। जबकि जो डीएनए जो है उसके अंदर कितना है भाई, 2 मीटर का डीएनए। तो समझने वाली बात है
कि इतनी छोटी सी सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए जो है वो फिट हो गया, वो किसके कारण हो रहा है? तो वो हो रहा है किसके कारण? हिस्टोन नामक प्रोटीन के कारण हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या बनाया हुआ है कि ये देखिए, ये सारे हिस्टोन प्रोटीन है और इसके ऊपर जो रैपिंग हो रही है ना, जो आपको ग्रे कलर की लाइन्स दिखाई पड़ रही हैं, ये सारी रैपिंग जो है सारी डीएनए की है। ठीक है, अब उसी को और अधिक एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो क्या दिखाया जा रहा है, ये इस तरह की संरचना दिखाई जा रही है और लास्ट में ये बन रहा है जो आपका यहाँ पर, ये क्या बन रहा है, ये आपका गुणसूत्र बन रहा है। ठीक है, ये आपका गुणसूत्र बन रहा है। इसी तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है। ओके, समझ में आगे क्या लिखा हुआ है, आगे दिया हुआ है कि डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का महत्व क्या है। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि डीएनए पैकेजिंग में क्रोमेटिन फाइबर को बढ़ावा दिया जाता है और साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन को पॉजिटिव रूप में आवेशित इसीलिए किया जाता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आर्जिनिन पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसको पॉजिटिव रूप देती हैं और ऋणात्मक रूप जो होता है ना उसको आवेशित करती है। ऋणात्मक रूप को आवेशित करेंगे तभी तो डीएनए जो होगा उसके ऊपर रैप करेगा, और उसके लिए जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, H2A, H2B, H3 और H4 कोर के जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना वो काम करते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है, और हाँ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको नॉलेज जो है वो पूरी मिले, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।